2018 इंडोनेशिया पैरा एशियन गेम्स से मैं अभी खेल कर आ रहा हूँ और इसमें मैंने 400 मीटर दौड़ में रजत थोड़ी कांस्य पदक जीता है और ये मैं भारत का पहला मेल एथलीट हूँ, पैरा एथलीट हूँ जिसने कंटिन्यू नेरो तीसरे एशियन गेम में मेडल जीता है। इससे पहले 2010 एशियन गेम में मेरा सिल्वर मेडल था 400 मीटर में। 14 एशियाई खेलों में मेरे 2 सिल्वर मेडल थे और इस बार मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जी, प्रधानमंत्री जी ने आपको सम्मानित किया इस पर? बिल्कुल सर, कल नरेंद्र मोदी जी ने हमें सम्मानित किया, हमें एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने का हौसला दिया और साथ में राज्यवर्धन राठौड़ सर ने हमें कैश अवार्ड से सम्मानित किया जो कि आज तक का सबसे फास्ट, उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ है कि टीम ने अभी इंडिया में कदम रखा और अगले ही दिन हमें कैश अवार्ड दिया गया। तो खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? खिलाड़ियों को मेरा यही संदेश है कि आज के टाइम बहुत सहूलतें हैं, बहुत स्कीमें चलाई हैं गवर्नमेंट ने और मोदी जी की खेलो इंडिया की मुहिम चली है, ज्यादा से ज्यादा इस चीज से जुड़ें, नशों से दूर रहें। हनुमानगढ़ क्षेत्र में खेलों का क्या भविष्य? बिल्कुल भविष्य है, यदि हम थोड़ा हटना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे इतनी ज्यादा नहीं आई है, पॉलिसीज नहीं आई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा हटकर अगर हम खुद मेहनत करें तो बिल्कुल भविष्य है और हम आगे बढ़ सकते हैं। भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरी तैयारी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की है और मेरा मेन टारगेट वही है।